एक ट्रक ऑटो बिना परमिट जब्त, 6 बसों पर परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई, 45 वाहनों की हुई जांच, यात्रियों को दी गई किराया संबंधी जानकारी, नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत। आपको बता दें कि रीवा परिवहन विभाग सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी रीवा द्वारा RTO मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर सिमरिया मार्ग में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बसों में किराया सूची के लिए विशेष चेकिंग की गई, जिसमें सिमरिया से सतना, सिमरिया से रीवा और सिमरिया से सिरमौर रोड पर चलने वाली बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 6 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान चेकिंग में लगभग 45 बसों पर किराया सूची चस्पा की गई है। मौके पर मौजूद परिवहन अधिकारी द्वारा बस में सवार सभी यात्रियों को ये बताया गया कि बस में किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया अदा करें। यात्रियों के सामने ही बसों पर किराया सूची चस्पा की गई और इसका नियमित पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग में एक ट्रक और एक ऑटो बिना परमिट मिला, जिनका कोई कागजात भी नहीं पाया गया। ऑटो सिमरिया थाने में और एक ट्रक परिवहन कार्यालय रीवा में जब्त कर सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। वहीं सिमरिया मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की भनक लगते ही कई बस और ट्रक सहित ऑटो चालकों ने वाहन को आसपास के गांव में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये कार्रवाई अब निरंतर जारी रहेगी। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलक।